हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। तो एग्जाम में आपको 20 मार्क का तो सम आता है, पर आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस का फॉर्मेट याद होना चाहिए कि सम कैसे सॉल्व करना है। अभी मैं आपके लिए अलग क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसका अच्छे से आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो, मस्त में अभी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में बच्चे लोग क्या करना मालूम है क्या? तो सबसे पहले लिखने का इनकम फ्रॉम बिजनेस, फिर डालने का ए बी सी डी। क्या डालने का? ए बी सी डी। तो ए में क्या लिखने का? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एग्जाम में सम कैसे पहचानेंगे कि बिजनेस का समय आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा और इधर नेट प्रॉफिट दिया रहेगा। तो ये जो भी नेट प्रॉफिट है ना, पहले यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,93,500 है ना। मतलब कॉलम बनाया और इतना सा लिख दिया, मतलब 1.5 मार्क्स तुम्हारा जमा हो गया। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में पहले नेट प्रॉफिट लिखा, फिर ना एक प्लस डालने का, माइनस डालने का। तो ये जो इधर ऐड है ना, एक्सपेंस डिसअलाउ, इसमें कौन सा एक्सपेंस लेने का जो बिजनेस का नहीं होता है, मतलब जो पर्सनल एक्सपेंस होता है, जो यहाँ हुआ खर्चा किया बिजनेस के अलावा, अदर देन बिजनेस एक्टिविटी, सेम जो बिजनेस का इनकम नहीं है वो इनकम डिसअलाउ, उसको बोलते हैं एक्सपेंस डिसअलाउ, कंसिडर सेपरेटली इनकम, कंसिडर सेपरेटली। फिर डेप्रेशन एज पर आई टी एक्ट दिया रहेगा। तो ए बी सी डी में पहले ए को लिखने का, फिर सी को सॉल्व करने का। सी को सॉल्व करने से आपका क्या हो जाएगा? टाइम बचेगा। तो सी बोले तो क्या इनकम है, तो इनकम आपको क्रेडिट में मिलेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस का होता है, उसको छोड़ के ना बाकी सब तुमको अदर देन बिजनेस एक्टिविटी मिलेगा। तो फिर क्या करने का इधर? कॉपी और पेस्ट करने का। क्या करने का? कॉपी और पेस्ट। तो कैसे लिखेंगे मालूम है इधर? मैं तुम्हारे लिए बताता हूँ। तो पहला रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, इधर लिखेंगे रिफंड। आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो आप लोग अच्छी राइटिंग में लिख देना, मेरी राइटिंग नॉर्मल है, एवरेज है, तो वैसे लिख दिया 18,000, सेम एज इट इज लिख देने का। डिसअलाउ बैंक ऑफ FDR, FDR बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। तो ये भी क्या है? इनकम डिसअलाउ, मतलब बाहर का इनकम है, 18,000 लिख दिया। तो ये कितना? ये भी 18, ओके। फिर बोला सेविंग बैंक इंटरेस्ट, तो ये भी बिजनेस का इनकम नहीं होता है, अदर देन बिजनेस एक्टिविटी होती है, कितना है? 12,000 है। फिर एक बोला NSE एक्यूरेट इंटरेस्ट, NSE बोले तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है ना, ATC में इसने इन्वेस्ट किया है 20,000। तो ये हो गया आपका इनकम डिसअलाउ। तो इसको अभी आप क्या करेंगे, उन्हें फटक से टोटल ले लेंगे ना, 18 18 36 हो गया, 36 पे 12 ऐड किया प्लस 20 ऐड किया, ये हो गया मान लो 68,000। तो ये क्या हो गया? इनकम डिसअलाउ। इसको आपको ब्रैकेट में लिखने का, कहाँ क्या लिखने का? ब्रैकेट में। तो आपने क्या किया? ए बी सी डी में सी सॉल्व कर दिया। फिर जैसे इतना सॉल्व किया ना, तुरंत जाके डेप्रिसिएशन को पढ़ने का। तो एक डेप्रिसिएशन टेबल में रहेगा और एक एडजस्टमेंट में रहेगा। जो टेबल वाला डेप्रिसिएशन है ना, जैसे कि इधर दिया है 10 और 17 27,000, उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन हेज पर बुक। तो वो यहाँ लिखेगी, टेबल वाला डेप्रिसिएशन किधर आएगा? इधर आएगा, इधर लिखेंगे डेप्रिसिएशन हैज पर बुक्स। तो कितना दिया है? 27,000। कितना दिया है? 27 बुक्स के हिसाब से। और जो डेप्रिसिएशन है ना एडजस्टमेंट में, इनकम टैक्स रूल IT इनकम टैक्स रूल, वो तुम्हारा यहाँ आ जाएगा। किधर आ जाएगा? नीचे लेस में आएगा, ओके, याद करना इनकम टैक्स रूल। तो इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे, ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब फिर से समझा दो, ए बी सी डी। ए में तो नेट प्रॉफिट लिखा, सी में इनकम डिसअलाउ लिखने का, जो इनकम बिजनेस का नहीं है। टेबल वाला डेप्रेशन ऊपर आएगा, एडजस्टमेंट वाला डेप्रेशन नीचे आएगा। ये टेबल वाला किधर आएगा? ऊपर, और एडजस्टमेंट वाला नीचे आएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे? अभी अपन डिटेल में क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब एक एक एंट्री को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करना मालूम है बच्चे लोग? अभी जो बिजनेस का नहीं है वो यहाँ आएगा ना। तो पहले लाइन पढ़ता हूँ, सैलरी 6,60,000। तो सैलरी एम्प्लॉयज को दे दे, मतलब ये बिजनेस का होता है। पर 3,60,000 प्रोपराइटर ने लिया। प्रोपराइटर कौन होता है? मालिक होता है। तो जहाँ भी प्रोपराइटर का नाम आया, प्रोपराइटर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोपराइटर सैलरी, वो घर के लिए बच्चे का फीस भरा, धनिया कोतमीर लेके गया, घर का खर्चा बिजनेस से चला रहा है, वो एक्सपेंस डिसअलाउ होता है। तो इधर लिखेंगे प्रोपराइटर सैलरी, कितना लिया उसने खुद के लिए सैलरी? 3,60,000। तो ये खुद के लिए निकाला, बिजनेस का नहीं होता, ओके। फिर बोला प्रोफेशनल टैक्स, ये बिजनेस का होता है। लॉस बाय थेफ्ट, इधर बोला थेफ्ट कस्टमर ने चुराया, तो ये बिजनेस का ही चोरी होता है, तो बिजनेस में ही आएगा। अपने को क्या लिखना है? जो बिजनेस का नहीं होता है, तो ये बिजनेस का ही कंसिडर करेंगे। कन्वेंस बोलो तो ट्रैवलिंग होता है, वो भी बिजनेस का होता है। प्रिंटिंग बोलो तो बिजनेस का होता है। अगर मान लो ऐसा बोला था प्रिंटिंग अपनी बेटी का कार्ड छाप रहा है शादी का, तो फिर प्रिंटिंग आता पर्सन, पर प्रिंटिंग बिजनेस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके। तो प्रोपराइटर क्या कर रहा है? जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया ना, उस पर वो इंटरेस्ट खा रहा है, तो बिजनेस का नहीं, खुद लेके जा रहा है ना वो, तो वो इधर आएगा, ठीक है। 30,000। तो याद रखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस डिसअलाउ। फिर बोला रेंट, बिजनेस का होता है। डेप्रिसिएशन तो मैंने यहाँ लिख दिया, एडजस्टमेंट वाला यहाँ।
इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ फॉर सन मैरिज, बेटी की शादी का लोन, तो ये बेटा हो गया, बेटा बोले तो घर का खर्चा हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन सन मैरिज, मैरिज है ना, कितना है मैरिज 30,000। तो ये बिजनेस का नहीं है, पर्सनल एक्सपेंस एंड पर्सनल एक्सपेंस आर कंसिडर एक्सपेंस सेपरेटली और डिसअलाउ। ड्राइंग बोला, क्या बोला, ड्राइंग, ये पर्सनल ड्राइंग भी तुम्हारा यहाँ आ जाएगा। ओके पर्सन बोले तो घर का खर्चा, ठीक है, मतलब बीवी के लिए 30,000 का साड़ी लाया रहेगा ना, तो ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया मालूम है, एक्सपेंस डिसअलाउ। तो एक्सपेंस डिसअलाउ का मतलब क्या होता है, जो खर्चा बिजनेस का नहीं होता है, जो खर्चा मतलब बिजनेस का नहीं होता, खुद का होता है, पर्सनल होता है, राइट। अब ये सबको ऐड कर लेंगे, आपको मिलेगा 4,77,000, ठीक है, ये एक्सपेंस डिसअलाउ। अभी इसका फाइनल कैलकुलेशन कैसे आएगा, हम लोग पढ़ रहे थे इनकम फ्रॉम बिजनेस ए बी सी डी, ए रेडी है, जब बी भी रेडी हो गया, ए और बी को ऐड करने का, तो इसको मिलेगा 11,70,500, है ना, बी को ऐड किया। अब बी में से सी और डी दोनों माइनस करेंगे, इनकम डिसअलाउ और डेप्रिसिएशन, तो इसमें से दोनों क्या करेंगे, माइनस करेंगे, अपने को मिलेगा 10,55,500। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों लोग, मालूम है इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस। फिर इसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे ऐसे, तो अदर सोर्स आता है, क्या आता है, अदर सोर्स आएगा, फिर डिडक्शन आएगा, फिर फाइनल आंसर आएगा। तो मैंने सिर्फ बिजनेस ही पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपको, बिजनेस पढ़ा है, ताकि तुमको अच्छे से समझ में आ जाए। और मैंने पूरा डिटेल में कंप्यूटेशन में अदर सोर्स डिडक्शन वाला 8-10 सम सॉल्व करके तुम्हारे लिए लुटा दिया है, तो अच्छे से तुम्हारे लिए एक डाउट वाला वीडियो बना दिया था, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम, दुआ में याद रखना।